Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Knowledge House Pro. Today we are going to do the class 7 English NBF and we are going to do the grammar part, the use of language, in which we are going to study the figure of speech. We will study three figures of speech, that is simile, metaphor and personification. So first of all, let's define what is the figure of speech. A figure of speech is a word or phrase used in a non-literal sense for a rhetorical or vibed effect. It is a phrase whose actual meaning is different from its literal meaning. So figure of speech ek phrase hota hai ya word hota hai jo ki non-literal sense mein use ho raha hota hai. Non-literal sense mein isliye use hota hai taaki wo hame zyada acha effect de sake, zyada stylistic jo hai स्टोरी में इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकें या पोएम वगैरह में. ठीक है, ये ऐसा फ्रेज है जिसके अंदर जो है हमारा एक्चुअल मीनिंग जो बन रहा होता है वो डिफरेंट होता है उसके लिटरल मीनिंग से. मीन्स टू से उसका जो डिक्शनरी मीनिंग है जो आप नॉर्मल ले रहे हो उससे आपका मीनिंग डिफरेंट होगा. वी आर यूजिंग दैट वर्ड इन अ डिफरेंट सेंस. ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड बेटर. देन इज टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. तो हमारे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो थ्री टाइप्स हैं, दैट इज सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन. फर्स्ट वन इज सिमिली. सो सिमिली क्या है? कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज. वी यूज द वर्ड लाइक और एज टू कंपेयर टू और मोर थिंग्स. ओके, सो हम इन दो वर्ड्स के ज़रिए हम किसी भी दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं. एग्जांपल देखते हैं, यू आर लाइक टू पीज इन अ पॉट. ठीक है, यहाँ पे हमने लाइक का वर्ड यूज़ किया. ठीक है, लाइक का वर्ड को यूज़ करते हुए हमने कहा टू पीज इन अ पॉट, मीन्स टू से कि हमने यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो आपने मटर के जो दाने देखे हुए हैं, मटर का जो पूरा छिलका होता है उसको पॉड कहते हैं, एंड जो उसके अंदर दाने होते हैं मटर के उसको कहते हैं पीस. कि दे आर लाइक टू पीस इन अ पॉड, कि किसी मटर के दाने के अंदर दो मटर हों उस तरह वो लग रहे थे. ठीक है, देन इज स्लीपिंग लाइक अ डॉग. स्लीपिंग लाइक अ डॉग मीन्स टू लॉग, सॉरी यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉग आएगा, लॉग नहीं आएगा. स्लीपिंग लाइक अ डॉग यानी कि डॉग की तरह स्लीप करना. देन इज लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. लाइफ जो है बिल्कुल चॉकलेट के बॉक्सेस की तरह है. ठीक है, वी आर कंपेयरिंग अवर लाइफ विद द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. ठीक है, सो दिस इज़ द सिंपल सिमिली. सिमिली में हम जिस दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विद लाइक और बाय यूजिंग एज. ठीक है, अब यहाँ पर मैं लाइक की जगह एज का वर्ड भी यूज़ कर सकती थी. जैसे लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट है, हमने यहाँ पे लाइक यूज़ किया. अगर मैं एज करना चाहूँ तो एज भी यूज़ कर सकती हूँ. दैट इज़ क्या बनेगा, लाइफ इज़ एज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. ठीक है, सो आप जिसको यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ मेटाफर. मेटाफर क्या करता है, ये भी हमारे पास एक टाइप आप कह सकते हैं हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, बट द थिंग इज़ कि विदाउट यूजिंग लाइक और एज, हम लाइक और एज वर्ड्स दोनों का इस्तेमाल मेटाफर में नहीं करते. मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, कि आपकी जो मदर हैं वो आपको अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं मेरा बेटा तो चांद है. ठीक है, तो ही वॉज नॉट एक्चुअली चांद. ठीक है, हम जिस उसकी खूबसूरती को कंपेयर कर रहे होते हैं विद द मून, तो हम उसको डायरेक्ट कह देते हैं कि वो चांद है. हम ये नहीं कहते कि वो चांद की तरह खूबसूरत है. ठीक है, हम जस्ट डायरेक्ट कह देते हैं कि वो चांद है. इसी को हम मेटाफर कहते हैं. एग्जांपल्स देखते हैं, द इंटरनेट कनेक्शन वॉज स्लोअर देन अ टॉर्टोइस. ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन को हमने टॉर्टोइस के साथ, टॉर्टोइस की स्पीड के साथ जो है कंपेयर किया है, और हमने कहा कि वो टॉर्टोइस की स्पीड से भी इंटरनेट कनेक्शन स्लोअर है. देन इज शी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका पत्थर का दिल है. ठीक है, हम ये नहीं कि वो मतलब बड़े सख्त दिल की है,
तो हमने उसको कह दिया कि वो पत्थर का दिल है उसका, हमने ये नहीं कहा कि ही शी हैज़ अ हार्ट लाइक अ स्टोन, ठीक है, हमने ऐसे लाइक और एज वर्ड यूज़ नहीं किए। देन इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स मतलब कि बहुत तेज़ बारिश होना, ठीक है, रेनिंग हैविली, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स एंड डॉग्स तो नहीं रेन कर रहे बरसते, तो हमारा जो इससे मीनिंग है वो लिटिल डिफरेंट है कि हम जो है यहाँ पे मुराद ले रहे हैं हैवी रेन हो रही है। नेक्स्ट इज़ पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम किसी भी ह्यूमन क्वालिटी को नॉन ह्यूमन थिंग्स को गिव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, एग्ज़ाम्पल इज़ द सन स्माइल डाउन ऑन अस। अब सन कभी स्माइल कर सकता है? नो। सो इट इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमंस के अंदर ही ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो स्माइल करते हैं, तो हमने ये क्वालिटी सन को दे दी विच इज़ अ नॉन ह्यूमन थिंग, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। देन इज़ द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज, देन अगेन जम्प्ड, आप कह सकते हैं कि स्टोरी कभी जंप कर सकती है? नो। सो इट इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन क्वालिटी दैट इज़ गिवन टू द स्टोरी विच इज़ अ नॉन ह्यूमन थिंग। देन इज़ द लाइट डांस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, द लाइट डांस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, लाइट डांस कर सकती है? नहीं। लाइट डांस करने से मुराद हमारा ये है कि लाइट जो है जगमगा रही है, बट द लाइट इज़ नॉट एक्चुअली डांसिंग, इट इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन कैन ओनली डांस, ठीक है, ये क्वालिटी सिर्फ ह्यूमंस में है, एंड वी आर गिविंग दिस क्वालिटी टू द लाइट दैट इट इज़ डांसिंग, एंड वी आर टेकिंग द मीनिंग बाय दिस वर्ड दैट लाइट इज़ ग्लिटरिंग, ठीक है, लाइट जो है कभी ऑन हो रही है कभी ऑफ हो रही है, यानी जगमग कर रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिमिली मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। अब हम इसकी एक जो आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज दी है उसको सॉल्व करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आई होप आप सबको क्लियर हो गया, अगर क्लियर नहीं हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।